शर्मा, शर्मा अरे कभी तो पूरा कर लेने दीजिए बंटी जी। ये सूरज के साथ कौन बातें कर रहा है? कहाँ? ओहो, आपके चश्मे का नंबर खराब हो गया है, अब दूरबीन लगा के देखा कीजिए। बातें कर रहा है नहीं, कर रही है। मालूम है? कौन कर रही है? आपकी बेटी। ये नहीं मालूम है? हाय 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 हाय, उसके हाथों की बने मिठाई की खुशबू यहाँ तक आ रही है, और वहाँ तो क्या क्या हो रहा होगा। अरे मैं उनका कलेजा चीर के सारी मिठाई अंदर से निकालूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बंसी जी? दो जवान दिलों को न मिलने देने का मतलब है खड़ी तलवार पे बैठना। ऐसी बातों को देख के भी अनदेखी कर देनी चाहिए। क्या बकता है, मैं उनका इतिहास मिटा डालूंगा। वो अपनी जिद की छुरी से आपके इतिहास का गला काट डालेंगे। देखिए बंसी जी, आप ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी जिद बढ़ती जाएगी। वैसे कुछ भी कहिए, ईमान की बात तो यह है कि वो साला है मर्द बच्चा, कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, देखिए पढ़ा लिखा होने पर भी हल जोत लिया, आज बीज बो रहा है, कल पौधे उगा लेगा, परसों आपका कर्जा चुका देगा, और तरसों आपकी बेटी को लेके चंपत हो जाएगा। ज्यादा बकवास करेगा तो मैं तेरी बीवी को उठा लाऊंगा। ले जाइए, 3 साल से उसको लकवा है, वो बिस्तर में पड़ी है। अरे नहीं, कोई उसको ले नहीं जाता। अच्छा आप ले जाइए। उल्टी हो रही है। मैं भिजवा दे खाली। चलो रघु से मिलकर नया तह शुरू करते हैं। मछली हो रही है। सीता जी नमस्ते, क्या बात है, आज आप अकेली काम कर रही हैं? आपके भाई साहब नजर आ रहे हैं। जो बोलिए तो सीता जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इस गांव के कानून और इंसाफ का रखवाला हूँ, इसलिए मेरा इंसाफ तो ये कहता है कि आप पर ये विधवापन अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं ये देखिए आपके लिए सुहागन का जोड़ा लाया हूँ, इसे पहन लीजिए और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। ओहो, अबे शर्मा के बच्चे साले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जगह देख कर हाथ बढ़ाया कर, जिस दिन मेरा हाथ बढ़ गया तो साले गीला हो जाएगा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कब आए? काफी देर हो गई। तब तो आपने मेरी सब बातें सुन ली होंगी। भाई साहब मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं वाकई ही आपकी विधवा बहन सीता जी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? गांव के मुंशी को मारा, फिर मारा? मेरी बहन को साड़ी पहनाएगा? अबे कमीने, ये साड़ी अब मैं तुझे पहनाऊंगा। मुझे? चल उतार कपड़े। मैं कपड़े उतारू? अबे कपड़े उतार, नहीं तो तेरी गर्दन को तेरे धड़ से उतार दूंगा। उतारता हूँ, लेकिन जरा सोचो गांव वाले देखेंगे तो क्या करेंगे। अबे उतारता कपड़े के मारू मैं। अरे उतारता हूँ, उतारता हूँ। चल जा भाई, जा उधर। आप उतार दो। अबे मुंशिफ की औलाद, इस हालत में सीधा गांव की तरफ भाग, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर देखा तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। चल भाग। अरे ये कौन औरत है जो साड़ी उठाकर उछल उछल कर भाग रही है? अबे कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरी गैर मौजूदगी में किसी औरत को बदमाशी के लिए बुला लिया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप बंसीलाल जी, अगर बुलाऊंगा भी तो इतनी भयानक लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी औरत को, मुझे गीला थोड़ी होना है, मुझे नहीं मालूम कौन है। अरे मगर तू आ तो सही। अरे उठे तो तेरी बकरी जैसी। मगर शरीर बहुत लाजवाब है उसका। मगर ये भाग कैसे रही है? लगता है अपने खसम को छोड़ के भाग रही। अरे बंसीलाल जी, वो आपके कैंप की तरफ ही जा रही है। तू यहाँ खड़ा रहे जी, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। नहीं 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 बंसीलाल जी, ये पाप का काम मुझसे नहीं होगा, मैं ही उस दुखियारी का हालचाल पूछकर आता हूँ, आप यही रहिए। एक झापड़ मारूंगा तो फटे हुए पजामे की तरह हवा में उड़ जाएगा। ये पजामे की बार बार याद क्यों दिलवाते हैं आप? खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे कर गया न गीला। देवी जी, अपने माँ बाप से लड़कर आई हो या कसम से झगड़ा कर लिया है? फिक्र मत करो, तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, मैं इस गांव का बेताज बादशाह हूं। वो इस गांव का मुंसिफ है ना रघु? अरे वो तो मेरे जूतों के तलवे चाटता है। सुनो जरा करीब आओ, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाओ ना।
कितनी भयानक औरत हैं? ए, तू कहीं रघु की जुड़वा बहन तो नहीं है? नहीं। फिर कौन है? मैं रघु ही हूँ। हैं? फिर ये साड़ी? ए, कहीं गलत धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? अरे चुप, ये सब तुम्हारी सिलाई का नतीजा है। मेरी? हाँ, तुमने मुझ साठ को उसी री के पास भेजा था ना, तो राम जाने सूरज ने मुझ साठ को राण बुला दिया है, मुझे गीला भी कर दिया है। डर गए हो? गिर गया। क्या फायदा, खेत की जमीन पर तो गिरते हो लेकिन मेरे दिल की जमीन पर कभी नहीं गिरते। हम जैसे गिरे हुए या तो ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं या नजरों से गिरते हैं, दिल पर गिरने लायक नहीं है। देखो, तुम ये दिल जलाने वाली बातें करके मेरे दिल मत दुखाया करो। जंगली ऑफिसर नहीं, मेरा मतलब है फॉरेस्ट ऑफिसर सुदर्शन लाल जी। क्या हाल है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मन ने कहा बंसी लाल, ज्यादा टाइम होता नहीं है। टाइम? टाइम? हाँ भाई, वो टाइम मिले तो पेड़ कटवा देता हूँ, और टाइम मिले तो जंगली जानवरों को पकड़ा देता हूँ भाई, ये तो टाइम टाइम की बात है। हाँ भाई, दुनिया में दो ही तो लाल हैं, एक बंसी लाल, दूसरे सुदर्शन लाल। क्यों जी? भाई, मुझे भी। और सुदर्शन जी को खास खबर? खबर है बंसी लाल की जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ पर सिर्फ सागवान के पेड़ लगे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके लिए टेंडर मंगवाया है। तो सब लोग एक काम करो, वो टेंडर भर दो, बहुत सारा फायदा होगा। समझ में नहीं आता सुदर्शन लाल जी, आपके निशानों का शुक्रिया हम कैसे अदा करें? वैसे ही जैसे हमेशा चुकता करते आयो बंसी लाल। एक तो मन्ने की ये छोटी सी जेब गरम कर दो और दूसरा मन्ने को कोई ताजा गुवाहाटी फल खिला दो, बहुत टेम हो गया। देखिए, जहाँ तक आपकी छोटी जेब का ताल्लुक है वो तो मैं गरम कर दूंगा, फल वल खिलाना इनका काम है। हाँ तो भाइयों, यशपाल का ये मकान बंसी लाल जी के 40,000 रुपए के कर्ज के बदले में नीलाम करवाया जा रहा है। ये सरकारी नीलाम है, गोली लगाना शुरू करते, चल गोली लगाना शुरू करो। ठहरो, हमारे घर को नीलाम करने का हक किसने दिया आपको? सरकार ने, कोर्ट ने, पहले सामने खड़ा पूछ लो उससे। ना नोटिस दिया ना खबर की, अपने पैसे और वसीले के जोर पर नीलामी के कागज लेकर पहुंच गए। नोटिस मैंने भेजी थी, तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी होगी। दिखावे। अजी, ये रहा नोटिस। बंसी जी, आप एक बात का बदला दूसरे अंदाज से ले रहे हैं, सच बोलिए, आपने नोटिस कब दिया था? यशपाल, तुम दरअसल सठिया गए हो, गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारी याददाश्त को चबा डाला है। मैंने तुम्हें नोटिस नहीं दिया था, और तुमने मालूम है क्या कहा था? कि मैं आपके पैसे लौटाने के लायक नहीं हूं, कुछ दिन मुझे इस मकान में रहने दीजिए, जब मेरा बेटा कॉलेज से लौट आए तो फिर मेरी जमीन मेरा मकान नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर लीजिएगा। कहा था या नहीं कहा था तुमने? अच्छा चलिए, मैं झूठा सही, बुढ़ापे में मेरी याददाश्त हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये नीलाम रुकवा दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, ये जमीन ये छत छिन गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? पिताजी आप पूछो। मैं, मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछ कर ये बच्चे पैदा किए थे क्या? क्या कहा है? सूरज। अच्छा, जोर दिखाता है शर्मा, रुका नीलामी। चलो भाई लोग गोली लगाओ। बाबू जी रहम कीजिए, आप ये घर नीलाम नहीं कर रहे, आप मेरे बच्चों की जिंदगी नीलाम कर रहे हैं, उनका भविष्य नीलाम कर रहे हैं, इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पिताजी उठिए, किसके आगे सर झुका रहे हैं? जो हमेशा गरीबों का सर काटता है, आप इससे रहम की भीख मांग रहे हैं जिसकी परछाई से जहर टपकता है? आपका बेटा भी जिंदा है, अपने पिता और बहन की जिंदगी का बोझ उठाने की शक्ति मेरे बाजू में है। चलिए नीलामी शुरू कीजिए। आइए पिताजी आओ। हम तो समझे थे कि यशपाल की जायदाद हड़पने की खुशी में हमें स्कॉच की पार्टी मिलेगी, लेकिन बंसी लाल जी तो हमें देसी मिला के डरका रहे हैं। अरे इतना ही नहीं रघु जी, सूद पे सूद मार मार के 4 के 40,000 बना लिए। हराम का माल खाकर के दिमाग में हरामी कीड़े पड़ गए सारे, मैं तेरा इतिहास लिखने बैठूंगा ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। क्यों गीला करने की बात कर रहे हैं बंसी लाल जी, मुझे कोई इतिहास इतिहास नहीं लिखना है, लेकिन एक आइडिया मेंढक की तरह मेरे दिमाग में उछल रहा है। क्या? दुनिया के तालाब में लड़कियों को मछलियों की तरह पकड़ने में अपने रघु जी एक नंबर के चैंपियन हैं। सीधे बैठ, सीधे बैठ। तो आइडिया ये है कि क्यों ना इस सांड को सूरज की बहन सीता के पीछे लगा दिया जाए। जिंदगी में आखिरी मर्तबा तूने अकलमंदी की बात की। आखिरी? हाँ। क्या है कि विधवा है मगर जवान है, गदराया हुआ फल है जिसे कम खाया गया है। बंसीलाल जी क्यों ना इस फल को अपनी टोकरी में बांध ले। मेरी जायदाद हड़प करके अब मेरी बेटी की इज्जत लूटने का इरादा रखते हो?
मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, लेकिन ये काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। छोड़ दो।